नमस्कार, मैं वाशु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हॉन्डी बुक का चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन। तो चलिए, बिना आपका समय गवाए इस वीडियो को शुरू किया जाए। एक बार की बात है, जॉडी के फादर पैनी को एक रेटल स्नेक काट लेते हैं, और उस विलेज के डॉक्टर डॉक्टर विल्सन का कहना था कि अगर हमें पैनी की जान बचाना है तो हमें इसके लिए एक डो के हार्ट और लिवर की जरूरत पड़ेगी। डो मतलब होता है एक फीमेल डियर। अब जॉडी के सारे फैमिली मेंबर जंगल निकल पड़ते हैं एक फीमेल डियर की तलाश में, और उन्हें एक डो मतलब एक फीमेल डियर मिल भी जाता है। वो उस फीमेल डियर को मारते हैं, उसका हार्ट और लिवर निकालते हैं और उसे लाके डॉक्टर विल्सन को दे देते हैं। और डॉक्टर विल्सन उस हार्ट और लिवर की कुछ मेडिसिन बना के जैसे ही जॉडी के फादर को देते हैं, तो जॉडी के फादर कुछ ही दिनों में रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जॉडी ये सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहा था। वो देख रहा था उस डो के एक छोटे से बच्चे को। जॉडी सोच रहा था, यार इस छोटे से फोन को दूध कहाँ से मिलेगा? यार ये तो अभी लीफ और फ्लावर खाना सीखा भी नहीं है, और यार अभी तो इसे जंगली जानवर से बचना भी नहीं आता है। ये इस इतने बड़े खूंखार जंगल में अपने आप को कैसे बचाएगा? आखिरकार ये कैसे सर्वाइव करेगा? वो हमेशा उसी के बारे में ही सोच रहा होता है। और एक दिन जब उसके फादर पैनी ठीक हो जाते हैं, तो वो उनके पास जाता है और जॉडी अपने फादर से पूछता है, फादर अब आपकी हालत कैसी है? जॉडी के फादर बोलते हैं, हाँ मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ और धीरे धीरे मैं रिकवर कर जाऊंगा। जॉडी अपने पापा पैनी से कहते हैं, पापा आपको याद है हम आपकी जान बचाने के लिए एक डो को मारे थे, मतलब एक फीमेल डियर को मारे थे? जॉडी के फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल याद है। जॉडी कहता है, पापा आपको पता है उस फीमेल डो का एक छोटा सा लिटिल फोन भी था, और वो अभी इतना छोटा है कि वो इस जंगल में सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। और अब तो हमने उसकी मॉम को भी मार दिया है, तो उसके पास दूध पीने का भी कोई सोर्स नहीं है, और यार अभी तो वो लीव्स खाना भी नहीं सीखा है। आखिरकार वो इस जंगल में कैसे सर्वाइव करेगा? जॉडी के फादर पैनी कहते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? जॉडी कहते हैं, फादर क्या हम उसे अपने घर ले आए? अब यार जॉडी के फादर पैनी के पास कुछ बोलने के लिए ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जॉडी के फादर की जान उस डो के हार्ट और लीवर की वजह से ही बचाई गई थी। और अब अगर उस लिटिल फोन को बचाने की बारी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसे बचाएं। और फाइनली जॉडी के फादर पैनी जॉडी को परमिशन दे देते हैं उस लिटिल फोन को अपने घर में लाने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और थी। अब जॉडी को अपनी मॉम से पूछना था उस लिटिल फोन को अपने घर में लाने के लिए। वो अपनी मॉम के पास जाता है, तो उसकी मॉम कॉफ़ी तैयार कर रही होती है। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको याद है हमने फादर की जान बचाने के लिए एक डो को मारा था? उसकी मॉम कहती है, हाँ मुझे याद है। जॉडी कहता है, मॉम आपको पता है उस डो का एक छोटा सा फोन भी था, वो भी बहुत ही छोटा है, और अभी तो वो पत्ती खाना भी नहीं सीखा है। अभी वो इस खतरनाक जंगल में कैसे अपने आप को बचा पाएगा? और यार यहाँ पे तो कितने सारे जंगली जानवर भी हैं। जॉडी की मॉम बोलती है, हाँ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जॉडी अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या हम उस लिटिल फोन को अपने घर ले आए? कि तभी उनके घर में डॉक्टर विल्सन आ जाते हैं, और वो कहते हैं, जॉडी तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं होती है। अगर उस डो की वजह से आज तुम्हारे पापा इस दुनिया में हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि उस डो के बच्चे उस छोटे से फोन की सारी देखभाल तुम करो। अब जॉडी के मॉम के पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए, सारी चीजें तो डॉक्टर विल्सन ने ही बोल दी थी। और फाइनली उनकी मॉम जॉडी से कहती हैं, देखो मैं उसे खाने का एक टुकड़ा नहीं देने वाली, तुम्हें उसे जैसे सर्वाइव करवाना है करवाओ। जॉडी कहता है, मॉम ठीक है आप उसे खाना मत देना, मैं उसे अपने हिस्से का दूध दे दूंगा। जॉडी के मॉम कहते हैं, ठीक है लेकिन मैं उसे एक भी टुकड़ा नहीं दूंगी, तुम्हें अगर उसे लाना है तो ले आओ, लेकिन मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जॉडी कहता है, ठीक है। और फिर जॉडी और मिस्टर मेलविल दोनों के दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मेलविल घोड़े में आगे बैठते हैं और जॉडी घोड़े के पीछे में बैठता है, और दोनों बातें करते करते यूं ही धीरे धीरे जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही जंगल में वो एंटर होने वाले रहते हैं, कि तभी जॉडी सोचता है, यार एक काम करता हूँ, मैं मेलविल को वापस भेज देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो लिटिल फोन उसी जगह पे मिल जाएगा, तो मैं जो खुश होने वाला हूँ उस खुशी को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और अगर वो वहाँ नहीं मिला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होने वाला है, और मैं उस सैडनेस को किसी और के सामने शो नहीं करना चाहता। तो वो मेलविल को कहता है, यार मेलविल तुम अब घर चले जाओ, मैं इस जंगल के अंदर खुद ही चले जाऊँगा।
बिलबिल कहता है, क्या तुम सच में अकेले चले जाओगे? तुम्हें पता है ना, ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जॉर्डी मानता ही नहीं है और बहुत ही ज्यादा फोर्स करके मेलविल को वहां से भेज देता है। अब जॉर्डी धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसने लगा था। उसे पेड़ों में लटकते हुए स्नैक्स दिख रहे थे और जैसे ही वो उस स्पॉट में जाता है जहाँ पे उन्होंने फीमेल डो को मारा था, तो वो देखता है वहाँ पे बहुत ही सारे बाजार थे। वो समझ जाता है ये बाजार जरूर उस फीमेल डियर की बॉडी को खाने के लिए आए हैं। लेकिन वो बाजार जॉर्डी के पास भी आते हैं क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। जॉर्डी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उन्हें फेंक के मारता है और लगातार आगे बढ़ते जाता है कि तभी उसे जमीन में एक वाइल्ड कैट के पैरों के निशान दिखते हैं। उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि ये जरूर कोई लॉयन या टाइगर के पैर के निशान है। वो ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि तभी सामने की झाड़ी में कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके किसी तरीके से उस झाड़ी की ओर धीरे 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 बढ़ते जा रहा था। जैसे ही वो झाड़ी को पार करके आगे चलता है तो देखता है, यार ये तो वही लिटिल फॉन है जिसे मैं खोज रहा था। वो उसे उठाता है, अपने गले में लगाता है और बस जंगल से बाहर भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। अब जैसे ही जंगल खत्म होने वाला था, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। अब उसके अंदर इतनी पावर नहीं बची थी कि वो और देर के लिए उस फोन को अपने गोद में उठा के लगातार भागते रहे। कि तभी उसे याद आता है कि एक बार उसके फादर पेनी ने उन्हें बताया था कि अगर किसी एनिमल को ऐसा लगे कि आप उसकी मदद कर रहे हो तो वो आपका लगातार पीछा करने लगता है। वो सोचता है, यार इस फोन को जमीन में रख के देखता हूँ ये मुझे फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब जॉर्डी उस लिटिल फोन को जमीन में रख देता है और फिर जॉर्डी धीरे 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 आगे बढ़ने लगता है और वो देखता है कि वो लिटिल फोन भी उसका धीरे 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 पीछा करने लगता है। थोड़ी देर तो वो लिटिल फोन जॉर्डी के पीछे 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 आते जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहीं रुक जाता है और फिर जॉर्डी उसको अपने गोद में उठाता है और फिर जंगल से बाहर भागने लगता है क्योंकि उसे 6 बजे से पहले पहले अपने घर पहुंचना था। और फिर थोड़ा देर भागने के बाद फिर जॉर्डी एक बार लिटिल फोन को जमीन में रख देता है और फिर लिटिल फोन जॉर्डी का पीछा करने लगता है। जॉर्डी अपने घर की तरफ जाते जा रहा था और लिटिल फोन जॉर्डी के पीछे आते जा रहा था और फाइनली जॉर्डी के घर तक वो लिटिल फोन जॉर्डी का पीछा करते जा रहा था। लेकिन जैसे ही जॉर्डी अपने घर के अंदर घुसता है, वो अपने फादर के रूम पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है, वो लिटिल फोन वहीं रुक जाता है क्योंकि वो सीढ़ियों पे चढ़ ही नहीं पा रहा था। फाइनली जॉर्डी नीचे जाता है, उस लिटिल फोन को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने फादर के सामने ला के शो करता है और वो कहता है, पापा देखो मैंने इस लिटिल फोन को घर ले आया। उसके फादर कहते हैं, ठीक है बेटा जाओ तुम अब अपने रूम में जाओ। वो अपनी मॉम के पास जाता है, अपने हिस्से का दूध लेता है, उसे एक बहुत बड़े से बाउल में डालता है और उसे उस लिटिल फोन के सामने रख देता है। लेकिन यार उस लिटिल फोन को कभी पॉट से मिल्क पीना तो आया ही नहीं, वो तो हमेशा अपनी मॉम की बॉडी से ही दूध पिया करता था। अब जॉर्डी सोचता है, यार इसे कैसे बताऊं कि इसमें मिल्क है, कोई हार्मफुल चीज नहीं। जॉर्डी अपनी एक फिंगर उस मिल्क पॉट में डिप करता है और उसे उस लिटिल फोन के मुंह में टच करता है। लिटिल फोन सोचता है, यार ये तो वही मिल्क है जो मैं हमेशा से पीता हूँ। और फिर जॉर्डी धीरे 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 उस उंगली को दूध के नजदीक लाते जा रहा था और थोड़ी ही देर में उस लिटिल फोन को समझ में आ गया कि इस पॉट में मिल्क रखा है और वो उसे पीने लगा। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है ये खूबसूरत सा चैप्टर, दिस इज जॉर्डीज फोन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने कभी कोई एनिमल पाला है या फिर कभी आप कोई एनिमल पालना चाहते हो, अगर हाँ तो कौन सा और अगर नहीं तो क्यों। और हाँ, हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।